बेगूसराय टुडे और मैं हूं पंकज भट्ट। इस समय हमारे साथ विधान पार्षद रजनीश जी, जो बेगूसराय में काफ़ी लोकप्रिय हैं और उनकी एक अलग छाप है। हम उनसे जानेंगे कि सर, CAA के मुद्दे को लेकर के जो लोग सड़क पे आज बैठे हुए हैं इतने दिनों से, क्या जनप्रतिनिधि को वहाँ जाना चाहिए था? देखिए, CAA का मुद्दा को लेके जो लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो गलतफहमी के शिकार हैं और गलतफहमियाँ क्रिएट किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा, चाहे वो राजद हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, माले हो, जो भी इस तरह के विपक्षी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वह CAA पर पूरी तरह से भ्रम पैदा कर रहे हैं। CAA कहीं से भी नागरिकता संशोधन कानून जो पास हुआ है, जिसके विरोध के रूप में लोग सड़कों पर बैठा दिए गए हैं, मैं तो ये मानता हूँ, मुसलमान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि, और मैं क्या, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह, हमारे तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े पदाधिकारी और सब लोग, मीडिया भी, आप भी जानते हैं कि CAA के द्वारा कहीं से भी किसी की नागरिकता छीनने का, उसको देश से बाहर करने का, नागरिकता ले लेने का कहीं से कोई जिक्र चर्चा है ही नहीं। नागरिकता संशोधन कानून के द्वारा नागरिकता देने का सवाल है, नागरिकता लेने का नहीं है। फिर क्यों उनको दिग्भ्रमित किया जा रहा है CAA पर, क्यों बैठे हुए धरना पर? जो भ्रम को सर दूर कौन करेगा? नहीं, उनके भ्रम को सरकार दूर करेगी और सरकार ने दूर कर दिया। सरकार बार बार बोल रही है, प्रधानमंत्री से ने कह दिया जब इस बात को, अब कौन होता है सरकार का सबसे प्रधान? प्रधानमंत्री होता है। उन्होंने कह दिया, गृहमंत्री ने कह दिया, हमारे तमाम बड़े जो सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने कह दिया, मीडिया ने इस बात का जिक्र किया, जो विद्वान है संविधान का, जिनको अध्ययन है, अनुभव है, जानकार है, उन्होंने कह दिया कि जो कानून पास हुआ है इसके द्वारा नागरिकता देने की बात है, नागरिकता लेने की बात नहीं है। जो लोग भारत के नागरिक हैं वह भारत के नागरिक रहेंगे, जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में धार्मिक रूप से प्रताड़ित हुए हैं, जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं, वहाँ के हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, ऐसे लोग जो भारत में आ गए 2014 31 दिसंबर के पहले, डेट तय है, ऐसे लोग जो जिनको नागरिकता नहीं मिली, जो कि यह भारत भी पाकिस्तान बांग्लादेश को लेके एक साथ था, कुछ हिंदू रह गए थे पाकिस्तान में, बाद में जब उनको प्रताड़ित किया गया, भगाया गया, तो आ गए भारत, ऐसे ईसाई, ऐसे जैन, ऐसे पारसी, ऐसे बौद्ध, जो देश में भारत आ गए लौट करके, उनको नागरिकता देने की बात इस संविधान संशोधन में किया गया है। और पहले भी आप इसके चले आप जाएंगे तो पूर्व की सरकार, कांग्रेस की, जो आज उन लोगों को धरना पर बैठा करके भाजपा का और नरेंद्र मोदी का विरोध करवा रहे हैं, विरोध का एजेंडा चला रहे हैं, वह कांग्रेस के तीन तीन प्रधानमंत्री अपने समय में कहे हैं और किए भी हैं कि जो ऐसे हिंदू पाकिस्तान में रह गए, बांग्लादेश में रह गए, अफगानिस्तान में रह गए, और सिख, ईसाई, जैन, इन लोगों को नागरिकता मिलनी चाहिए, यह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जी ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, समय समय पर उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों ने कहा है, सारा विवरण सारा कुछ प्रस्तुत किया जा चुका है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को विरोध करने का, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री का विरोध करने का, यह केंद्र की सरकार का विरोध करने का उसके पास कोई एजेंडा नहीं है, वो सकारात्मक विरोध कर ही नहीं सकता है। लोकतंत्र में विपक्ष की अपनी एक भूमिका होती है विरोध का, लेकिन वह विरोध भी लोकतांत्रिक होना चाहिए। तोड़फोड़ करवा करके, सरकारी संपत्तियों का नुकसान करा करके, लोगों को दिग्भ्रमित करा करके, अब जो लोग धरना पर बैठे हुए हैं, मैं उनको दोषी नहीं मानता, धरना पर जो बैठाए हैं लो, जो लोग, जो राजनीतिक दल हो जाके भाषण दे रहे हैं, कौन भाषण दे रहा है पोखरिया में जाकर के, नवाब चौक पर कौन भाषण दे रहा है, बलिया में या अन्य जगह पर, कांग्रेस के नेता वहां भाषण दे रहे हैं, किसको नागरिकता चाहिए भाई? वहां माले के लोग भाषण दे रहे हैं, वहां कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भाषण दे रहे हैं। तो मैं मुसलमान भाइयों को कहना चाहता हूं कि जो ये कांग्रेस पार्टी आजादी के 70 वर्षों में 58 साल तक शासन किया, इस 58 वर्षों में मुसलमानों के लिए क्या किया, ये सवाल पूछिए कांग्रेस के नेताओं से। मोदी जी तो अभी 6 साल हुआ है, मानते हैं कि भाजपा का अटल जी भी 6 साल रहे, आज 6 साल अभी मोदी जी का हुआ है, तब 12 साल भाजपा ने शासन किया जी।
तो आज मुसलमानों की जो स्थिति है, उनके बच्चे आज भी सड़कों पर पंचर बना रहे हैं। बीड़ी मजदूरों की हालत क्या है, उनके शैक्षणिक हालत क्या है, लरवारा में जाके देखिए, पोखरिया में जाके देखिए, बलिया में जाके देखिए। मुसलमानों की आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, सामाजिक स्थिति इतनी खराब अगर है और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, तो उनको पूछना चाहिए कि कांग्रेस 58 साल शासन किया 70 वर्ष में, और भाजपा 6 साल अटल जी और 6 साल मोदी जी शासन किए, तो 12 साल वाला सरकार दोषी होगा कि 58 साल वाला दोषी होगा, ये पूछना चाहिए। अब जो स्थितियां हैं कि अब तो उसमें से कोई सर्जिल निकल रहे हैं और कोई गोपाल बन के आ रहे हैं, ये परिस्थिति से देश कैसे निपटे? देखिए, मैं गोपाल का समर्थन करता हूं, ना मैं सर्जिल का समर्थन करता हूं। ये देश हिंदू और मुसलमानों का, दोनों का देश है। इस देश को स्वतंत्र कराने में, इस देश की सांस्कृतिक और इस देश की आत्मा और इस देश को बनाने में हिंदू मुसलमान सबों का बराबर हक रहा है। और इसलिए ना मैं गोपाल का समर्थन करता हूं, ना मैं सर्जिल का समर्थन करता हूं। ऐसे जो बहके हुए युवक हैं, उनको बहकाए गए हैं, उनको समाज के विरोध में उपयोग किया जा रहा है, इस पर लगाम लगनी चाहिए। बहुत बड़ी बात कह दिया है कि ऐसे जो बहकाए जा रहे हैं, जो युवक, उन पर लगाम लगनी चाहिए। बस एक सवाल है सर आपसे कि क्या जनप्रतिनिधि को चाहिए कि अपने जो भ्रमित लोग हैं उनके बीच में जाके सही या गलत का फर्क समझाने की? बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए जनप्रतिनिधि को। और ये केवल भारतीय जनता पार्टी या किसी एक राजनीतिक दल का नहीं, यह नियम लागू होता है तो सभी दलों के जनप्रतिनिधि पर, यह लागू होता है सभी राजनीति करने वाले कार्यकर्ताओं पर। क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं और भारत देश के अंदर अगर दो संप्रदायों में, दो कौम में अगर इस तरह की एक लकीर खींचने का प्रयास जो लोग कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि वो लोग समाज के साथ घातक काम कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो राजनीति करने वाले लोग हैं, आपने जनप्रतिनिधि की बात की, कई जगह मैं आज बोल रहा हूँ आपको मंच आपके माध्यम से कि लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। जिस NRC की बात हो रही है, NRC है ही नहीं, NRC लागू ही नहीं है, NRC चर्चा ही नहीं है, अब इसको कौन कहेगा? प्रधानमंत्री बोल दिए, अब इससे बड़ा क्या होता है? प्रधानमंत्री की बात का तो भरोसा नहीं रखते लोग। अगर देखिए, अगर इस देश के लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार, इस देश के 125 करोड़ आबादी ने चुना है, 303 सीट दे करके लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाया, अब आपको प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं हो, आपको लोकसभा पर विश्वास नहीं हो, आपको संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं हो, आप सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, गए हैं ना कुछ लोग CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, तो इसका मतलब आपको भरोसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट पर, तब तो आप धरने में बैठे हुए हैं। मामला अगर न्याय में, अदालत में जाता है तो उसका इंतजार करना चाहिए था, वही लोग गए हैं ना, तो आप इंतजार करिए, संवैधानिक समीक्षा होगी, सुप्रीम कोर्ट को है अधिकार कि वह इस चीज का, उसका कंस्टिट्यूशन बेंच देखेगा क्या हुआ है इस विषय पर। आप लेकिन जनता से कुछ कहना चाहिए? नहीं, मैं तो कह ही रहा हूं, जनता को ही कह रहा हूं। नहीं सर, ये जो मैं जनता को ही कह रहा हूं जो धरने पर बैठे हुए हैं, उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आपको भ्रमित किया जा रहा है। राजनीति में विरोध लोकतांत्रिक मान्यता है, लोकतांत्रिक परंपरा है राजनीति में विरोध, सरकार का विरोध। हम भी विपक्ष में रहे हैं, सत्ता में है आज, केंद्र में, बिहार में, विपक्ष की भूमिका विरोध की होती है, मैं मानता हूं ये लोकतांत्रिक परंपरा है। लेकिन आपके पास अगर विरोध करने के लिए कुछ नहीं हो तो आप जनता को भ्रमित करें, ये राजनीतिक, ये लोकतांत्रिक परंपरा, लोकतांत्रिक मान्यता नहीं है। और कांग्रेस, RJD, कम्युनिस्ट के लोग यही कर रहे हैं, यही चीज कर रहे हैं कि वो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि धरना बिल्कुल निरर्थक है, NRC है नहीं, NRC हो नहीं रहा है, सरकार ने कह दिया, अब इसको थोपे जा रहे हैं लोग, CAA में नागरिकता किसी की ली नहीं जाएगी, देने की बात है, लोगों को भ्रम में पैदा कर दिया है। जाइए आप, कोई आधार कार्ड बनवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई जन्मपत्री दिखवा रहा है, पता नहीं, अरे क्या हो सकता है इसकी? जिसका आधार कार्ड है, जो वोटर ID है, जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं,
वो नागरिक हैं, उनका अधिकार रहेगा, वो हमेशा नागरिक रहेंगे। एक झूठा निराधार सरकार पर आरोप नरेंद्र मोदी जी के विरोध करने का एक हथकंडा ये विपक्षी दल बना रहे हैं कि आपकी नागरिकता ले ली जाएगी, इसीलिए आप जाकर के कोर्ट से ये कागज बनाइए, वो काम करिए, ये काम करिए, लोगों में अफरा तफरी मचा रखा है। ये गलत है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।